नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां पर आप तक पहुंचाएंगे बड़ी खबरें। इन बड़ी खबरों में जानेंगे दोस्तों, आरएलडी ने बीजेपी को दे दिया इस समय का बड़ा झटका, गठबंधन तोड़ अलग यहां पर हुई पार्टी, चुनाव लड़ने को उतरी मैदान में। दोस्तों जयंत चौधरी ने लिया बड़ा फैसला, इंडिया गठबंधन काफी उत्साहित, बीजेपी में 24 बड़े नेता नाराज, जल्द ही 4 से 5 दिनों में पार्टी छोड़ने की है बड़ी तैयारी। क्या कुछ अपडेट है दोस्तों इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर इस वीडियो में, आगे जानिए फटाफट अंदाज में। दोस्तों आप लोग साथ में बने रहिए, और आप भी मानते हैं दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं दोस्तों जय हिंद। समय की सबसे बड़ी खबर जिसने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, जी हां दोस्तों, दो राज्यों में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, तारीखों का ऐलान हो गया, सभी यहां पर राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर आई। इसी बीच केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, आरएलडी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया, दोनों ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब आने वाले चुनाव में बीजेपी को झटका देने की तैयारी आरएलडी ने कर ली। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में आरएलडी भी एंट्री मारने वाली है, आरएलडी अकेले यहां चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी से अपनी राहें अलग कर ली हैं, माना जा रहा है कि आरएलडी 15 से 20 सीटें पर अपना यहां पे चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए पार्टी महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने 23 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी। दोस्तों यूपी में भी उपचुनाव में यहां पे सीटों की मांग कर रहे जयंत चौधरी, बीजेपी 1 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं, आरएलडी 2 सीटों पे अड़ी है। दोस्तों देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यहां पे बड़ा झटका दिया है बीजेपी को, और यहां पे ताल ठोक दी है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन ने बना ली है नई रणनीति, हरियाणा चुनाव में अब तो जीत पक्की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया है वह फुल प्रूफ है। वहीं दोस्तों हरियाणा किसी भी कीमत पे इस बार हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं एलओपी राहुल गांधी। इसके लिए दोस्तों कार्य समिति की बैठक हरियाणा में बुलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पे दोस्तों मौजूद रहे, पूर्व सीएम और यहां पे रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा दोस्तों यहां पे मौजूद है राहुल गांधी के साथ। आपको बताते चाहे नेता प्रतिपक्ष के साथ ये बैठक हुई, दोस्तों आपको बताते चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम यहां पर राहुल गांधी के सवाल का जवाब दिए। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या इस चुनाव में गठबंधन की कोई संभावना है। राहुल के इस सवाल का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी राज्य में ज्यादा सीटें मांग रही है, इसीलिए गठबंधन कर पाना मुश्किल है। दोस्तों राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है किसी भी कीमत पर गठबंधन होना चाहिए, बीजेपी को सत्ता में तीसरी बार नहीं लौटने देना है। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को यहाँ पे इच्छुक है कांग्रेस पार्टी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ पे संभावना जताई है कि यहाँ पे बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। आम आदमी पार्टी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, दोस्तों एक साथ आ गई अगर ये दो पार्टियां तो बीजेपी की मुश्किलें वैसे भी खड़ी हो जाएंगी, और इस प्रकार दोस्तों बीजेपी का तय हो जाएगा हरियाणा की सरकार जाना बिल्कुल तय है। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कई नेता यहाँ पे गठबंधन की बात भी पहले कह चुके थे, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने कदम आगे बढ़ाया है, यहां पे इंडिया गठबंधन की एकता दिखेगी हरियाणा में। दूसरी तरफ बीजेपी में फूट पड़ने वाली है बड़ी खबर दोस्तों, बीजेपी के 24 दिग्गज नेता नाराज, जल्द ही 4 से 5 दिनों में पार्टी छोड़ने की है तैयारी, अगला कदम कैसा होगा। दोस्तों आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचल तो वैसे भी तेज है, गतिविधियां तेज हो गई हैं, इच्छुक उम्मीदवार अपना अपना टिकट फाइनल करने की जद्दोजहद में जुट गए, जिसे टिकट नहीं मिल रहा वह नाराज हो रहा। वहीं दोस्तों आपको बताते चले इसी के साथ हरियाणा बीजेपी में ही खलबली मची है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वावन कुले का कहना है कि बीजेपी के पास 24 नेता हैं जो यहाँ पे बगावत कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे चिंता जाहिर की है, उन्होंने कहा कि अगला कदम इनका कैसा होगा या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये 24 मजबूत उम्मीदवार माने जाए थे, लेकिन इन्हें टिकट ना मिल पाना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा, ये 24 नेता किसी भी समय कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य दल में दोस्तों या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कह सकते हैं, ये सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। देख सकते हैं बीजेपी हरियाणा में एक के बाद एक बैकफुट पे आती दिख रही है।
हे दोस्तों, हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म को लेकर काफी दोस्तों अब यहां पर माफी मांगने के मूड में आ गई हैं। कंगना रनौत की राहुल गांधी से अपील, मेरी फिल्म आने से मत रोकिए। जी हां दोस्तों, उड़ा है कंगना रनौत का मजाक। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत बीते कई दिनों से अपने बड़बोलेपन की वजह से काफी सुर्खियों में है। विवादास्पद बयान दिए, बीजेपी बैकफुट पर आई किसानों के मामले को लेकर राहुल गांधी को लेकर यहां पे अनर्गल बयान दिया। इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, आगामी फिल्म की रिलीज अनुमति देने का अनुरोध किया है कंगना रनौत ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ये अनोखी अपील की है। मतलब है दोस्तों, कंगना रनौत की यह फिल्म यहाँ पे एक एजेंडे पर बेस्ड है जो कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी पूर्व पीएम द्वारा, तब की यहाँ पे दोस्तों स्टोरी को इस फिल्म में दर्शाया गया है। वहीं कंगना रनौत ने एक पॉडकास्ट के दौरान यहाँ पे बातों ही बातों में कह दिया कि राहुल गांधी मेरी फिल्म को आने दें, मैं कांग्रेस से अपील करती हूँ कि मेरी फिल्म को आने से मत रोकिए। यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया पर अब यहाँ पे लगातार मजाक बनता दिख रहा है कंगना रनौत का, और यहाँ पे माफी भी मांगती नजर आ रही है राहुल गांधी से। आ रही है दोस्तों इस समय की बड़ी खबर, हरियाणा से ही है ताजा अपडेट, जहां पर सीएम फेस जल्द घोषित कर सकती है कांग्रेस। राहुल गांधी के करीबी को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री उम्मीदवार। नाम तो बहुत हैं दोस्तों, ना हुड्डा ना सैलजा, हरियाणा में राहुल गांधी का ये करीबी नेता हो सकता है कांग्रेस का सीएम चेहरा। दोस्तों हलचल तेज है, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हैं, लेकिन राहुल गांधी यहां पे अपना मास्टर प्लान बना रहे हैं। सभी को चौंकाने वाला प्लान राहुल गांधी ने दोस्तों तैयार कर लिया है। बात हो रही है कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार को लेकर। यहां पे दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम वर्तमान सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम यहां पर प्रमुख तौर से आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि यहां पे राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला की लॉटरी लग सकती है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला को राहुल गांधी के करीबी लोगों में गिना जाता है। माना जा रहा है कि इस बार सुरजेवाला को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता हैं दोस्तों, कई जगह यहां पर प्रवक्ता के तौर पर भी आ चुके हैं। अब रणदीप सुरजेवाला को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है दोस्तों, लग सकती है लॉटरी, बनाए जा सकते हैं सीएम उम्मीदवार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से। दोस्तों किसानों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। शंभू बॉर्डर पर फरवरी 2024 से डटे किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक यहां पर याचिका को लेकर एक कमेटी का गठन किया है जो कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक उचित रास्ता निकालेगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज के निर्देशन में इस कमेटी का गठन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चाहें किसानों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार इस वीडियो में आप सभी तक पहुंचाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।